रबर एक्सपो करके एक एग्जीबिशन शो होता है, तो वो जो है अब की बार बम्बई में होने वाला है, जनवरी 17, 18, 19, 2019 में। तो ये जो है ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा रबर शो रहता है। इसमें जो है रबर के मशीनरी बनाने वाले, रॉ मटेरियल बनाने वाले, डाइस बनाने वाले, रबर के पार्ट्स बनाने वाले सब पार्ट्स लेते हैं। तो इसमें जो है ये अराउंड 14,000 स्क्वायर मीटर पे जो एग्जिबिटर्स हैं उनकी वो एरिया रहेगी, और इसमें करीब करीब 300 से 400 एग्जिबिटर्स इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 28,000 के करीब फुटफॉल होने वाला है जो लोग आएंगे उसमें। ऐसा ये एक और दो साल में एक टाइम होता है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करके एक जो रबर की नॉन टायर वाली एसोसिएशन है, उस वो जो है इसको ऑर्गेनाइज कर, चाइना का एक बड़ा पेविलियन रहता है उसमें 1200 मीटर जो है चाइना ने जगह ली हुई है इसमें से 14,000 में से। उनके करीब करीब 70-80 उनके जो है एग्जिबिटर्स इसमें आते हैं। वैसे ही मलेशिया के भी आएंगे, यूरोप के, जापान के, यूएस के, वो भी लोग यहाँ पर आके एग्जिबिट करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं वहाँ। है विनोद बंसल, मैं जो है जो हमारी ये ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके जो चार रीजन हैं उसमें जो वेस्टर्न रीजन है उसका मैं चेयरमैन। थोड़ा सा एंटरप्रेनर को विजन की जरूरत है, और बेसिकली रबड़ में दो रकम के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनते हैं आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक बनते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए मदर इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए, वो उसकी कमी है, उस कारण से वो ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ और बाकी डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसकी कमी के होने के कारण वो उतना ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। थोड़े से कार्य करने की जरूरत है, आशा करते हैं कि फिर ये जो पुराना जो इसका वो थी उसका फेम था वो फिर लौटेगा। नहीं, जैसे आप मिल करा रहे हो है ना, ऐसा हम क्या 2009 में यहाँ पर हुआ था, लास्ट 2009 में हुआ था, वो यहाँ पर IRD यहाँ 2009 में हुआ था। अभी क्या है, हम लोग के कुछ पैरामीटर्स, जैसे हम लोग को जो डिस्प्ले का एरिया चाहिए उतना बड़ा एरिया यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस साल हम लोग को कलकत्ता में करने की बात थी, लेकिन जगह की कमी के कारण जगह नहीं मिली, जगह नहीं है। हम लोग को 50% कंस्ट्रक्टेड एरिया चाहिए, मैंने लगभग आप समझ लीजिए 7 से 8 हज़ार स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्टेड एरिया जो अभी भी कलकत्ता में अवेलेबल नहीं है। इस कारण 8,000 स्क्वायर मीटर टोटल अभी जो एरिया है स्क्वायर फीट की जो जिसमें एग्जीबिटर डिस्प्ले कर रहे हैं वो लगभग 14,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें लगभग 7,000 से 8,000 स्क्वायर मीटर हमको कंस्ट्रक्टेड चाहिए, वो कलकत्ता में आज के दिन अवेलेबल नहीं है। इस कारण हम लोग कलकत्ता में करने में अक्षम। मेरा नाम कमल किशोर चौधरी है, मैं ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट हूँ।